भैया एक तरफ शूटिंग, एक तरफ जो है जनता का सुनवाई जो समस्या बा वो भी सुन रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है शूटिंग और सुनवाई के? देखा नियत होके के चाहिए आदमी के, अगर आपके नियत बाटे कि लोग के समस्या के समाधान करे के बाद तो नियत बाटे तो कल बहुत मुश्किल काम ना, बहुत आसान काम। अब हमनी के जहाँ शूटिंग करे नहीं जा, जब लाइटिंग वाइटिंग होता बाकी काम होता तो हमनी के इसे बैठ जाए जला, और जौन भी काम आवेला जहाँ फ़ोन करे के बाद वहाँ फ़ोन करके बोल दिया जला, जहाँ पत्र लिखे के बाद वहाँ पत्र लिख दिया जला, जहाँ सड़क बनावे के बाद वहाँ सड़क बना दिया जला, जहाँ पुल बनावे के बाद वहाँ पुल बना दिया जला। तो चूँकि हमनी के यही नियत से आइले रह जा, और हमनी के कहले भी रह जा कि जब हमनी के आजमगढ़ में आवे के तो सिनेमा भी बनावे के और सड़क भी बनावे के, तो संजोग के बाद देखा कि जौना दिन ये फिल्म शुरू भई मैं मायके चली जाऊँगी, वही दिने वो सड़क भी बनल शुरू भइल रासेपुर तितरा, जौना सड़क के मतलब लंबे समय से लोग इंतजार करत रहे और हार गए रहे, लोग थक गए रहे कि अब ही ना बनी। वहाँ के जो हमनी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही मंजू सरोज जी, वो हमरा से कहली कि भैया ये ना बन पाई रो, हम कहनी कि ये ना बनी तो हम यहाँ मुँहे ना दिखाई अबे ना करब, तू चिंता मत कर एक बनवा ले तबे यहाँ आई। और खुशी के बात बा, और हम बहुत धन्यवाद दे चाहते नहीं अपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, पूजनीय प्रधानमंत्री जी के, कि कोनो भी काम कठिन से कठिन काम लेके अगर आजमगढ़ के हमनी की जाल जला तो ऊपर तुरंत विचार होला और उके पास कर दिया जला, और वो सड़क पास हो गई। अब वही दिने वो सड़क बनल चालू भइल रासेपुर तितरा, और वही दिन सिनेमा बनल चालू भइल। तो हमके लागा था कि जैसे ही सिनेमा कम्प्लीट हुई वैसे ही वो सड़क ही कम्प्लीट हो जाए।